नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद यादव, आपका स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आइसफॉल कंपनी की तरफ से बहुत ही जबरदस्त वाटर प्यूरिफायर प्लस फिल्टर कॉफी मशीन। जी हाँ दोस्तों, जो कॉफी के शौकीन है वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि फिल्टर कॉफी क्या होती है और फिल्टर कॉफी मशीन क्या होती है। तो ये जो मशीन है ये आपके लिए लाई है आइसफॉल कंपनी से। आज हम इस मशीन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कैसे इस मशीन से हम लोग फिल्टर कॉफी बना सकते हैं। साथ में आज हम लोग इस मशीन को रिव्यू करेंगे, देखेंगे ये कैसे काम करता है और इसके अंदर की खास टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग इसके अंदर कॉफी भी बनाएंगे और उसे टेस्ट करके भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम आपके कमेंट्स की बहुत वेट करते रहते हैं, तो प्लीज कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये एक मशीन है रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। साथ में इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप फिल्टर कॉफी बना सकते हैं। तो फिल्टर कॉफी पीने वाले लोग जो जानते हैं कि फिल्टर कॉफी बनाने के लिए बहुत बड़ी मशीन लगती है, लेकिन ये जो मशीन है इसके अंदर इनबिल्ट फिल्टर कॉफी मशीन इंक्लूडेड है। इसके अंदर आपको ढेर सारे ऑप्शंस भी हैं। साथ में मैं आपको इसका बैक साइड दिखाना चाहूंगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, ये एक काउंटर टॉप मशीन है। काउंटर टॉप मशीन यानी कि इसको आपको इनलेट आउटलेट नहीं दिया तो भी चलेगा, यानी कि ये जो मशीन है इसको वाटर इनलेट नहीं रहेगा तो भी चलेगा। इसके अंदर इनबिल्ट टैंक है जो इस प्रकार रिमूव होती है, ये ऊपर का कवर रिमूव होता है और ये टैंक रिमूव होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि हर एक वाटर प्यूरिफायर में टैंक होती है, भैया ये टैंक स्पेशल है, ये टैंक रॉ वाटर टैंक है। जी दोस्तों, यानी कि इसके अंदर आप जो टैप वाटर है वो यहाँ डाल सकते हैं और ये मशीन जो है इस टैंक में से पानी को लेके प्यूरिफाई करती है। और साथ में ही जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही यूनिक इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हैं जो जनरली इंडिया में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ ही ब्रांडेड कंपनीज हैं जो इस प्रकार के फिल्ट्रेशन को इंक्लूड करते हैं। ये जो फिल्टर से इजी टू रिमूव होते हैं, इसको आप खुद ही रिमूव कर सकते हैं। इस प्रकार निकाल के इसको रोटेट करना होता है और ये इजीली डिटैच हो जाते हैं। आप घर के घर आपके फिल्टर जब खराब हो जाएंगे आप घर के घर इसे रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं, नया फिल्टर लीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए और इसको रोटेट कर दीजिए, बस हो गया काम। इसके अंदर तीन फिल्टर्स लगे हैं, एक GSA फिल्टर है, एक PP प्लस T3 यानी कि PP भी है साथ में कार्बन फिल्टर भी है इसमें। ये जनरल GSA जो बोलते हैं ये एक्टिवेटेड कार्बन है, ये T33 यानी कि ब्लॉक कार्बन प्लस PP फिल्टर है और यहाँ पे आपका RO मेम्ब्रेन है, रिवर्स ऑस्मोसिस की मेम्ब्रेन जो यहाँ पे मौजूद है। तो इसकी खासियत क्या है दोस्तों, यही इसकी खासियत है, इसमें 3-stage फिल्ट्रेशन है। साथ में इसके टैंक के अंदर भी एक फिल्टर है, जो रिजेक्ट वाटर जो है वो भी इसके अंदर ही स्टोर होता है, यानी कि वो इस पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। जब भी इस पानी का लेवल कम हो जाता है तो इसको फिल करने के लिए आपको इसमें से पानी निकाल डालना है और फ्रेश वाटर फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके सारे ऑपरेशंस बताता हूँ, साथ में हम लोग इसमें कॉफी बना के भी चेक करेंगे कैसे कॉफी बनती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे पैनल डिस्प्ले जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आइसफॉल कंपनी का ब्रांडिंग है, यहाँ पे एम्बियंट, वार्म, हॉट, ऐसे तीन ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे लॉक का बटन है, लार्ज और स्मॉल का बटन है। तो अभी मेरे पास जो ग्लास है ये स्मॉल ग्लास है, तो मैं स्मॉल ग्लास सिलेक्ट करूंगा। और पानी कैसा चाहिए हमें, सबसे पहले अगर हम लोग एम्बियंट पानी लेते हैं, एम्बियंट यानी कि रूम टेम्परेचर का पानी, नॉर्मल पानी जो हमारा मिलता है वो हमें एक ग्लास नॉर्मल पानी मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे वार्म वाटर सिलेक्ट करते तो हमें 50 डिग्री तक का पानी आएगी, गुनगुना पानी थोड़ा सा वो मिलेगा, ये हमें वही जितना हमने स्मॉल ग्लास सिलेक्ट किया है तो स्मॉल ग्लास मिलेगा। अगर लार्ज ग्लास सिलेक्ट करते हो हमें पूरा बड़ा ग्लास जो होता है उतना पानी इसमें से मिलेगा। तो ये स्मॉल ग्लास हमें मिल चुका है और ये एकदम गुनगुना पानी है, ज़्यादा कड़क पानी नहीं है। वही अगर हम लोग हॉट वाटर लेते तो यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ चुका है, 80 डिग्री हो चुका है। यहाँ पे हम बढ़ा भी सकते हैं, कितना हॉट हमें चाहिए, 95 डिग्री तक मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे हॉट वाटर ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हॉट
सिलेक्ट करके निकालेंगे। 95 से ज़्यादा इसलिए नहीं होता है क्योंकि 100 डिग्री पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और कई टाइम्स बर्न होने के भी चांसेस होते हैं। फिर भी 95 डिग्री का भी बहुत गर्म पानी होता है। तो इसमें आप ग्रीन टी बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपका टी बैग डाल के ग्रीन टी बना सकते हैं। तो ये बॉइलिंग हॉट वाटर बन चुका है। जी हाँ, ये काफ़ी कड़क पानी है, इसमें आप आराम से ग्रीन टी बना सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं। यहाँ पे हमें इनलेट का TDS दिखता है, यहाँ पे आउटलेट का TDS दिख रहा है, 7 TDS आउट का है, इनलेट का 145, जो हमारे पीछे के टैंक में जो पानी हमने भरा है उसका TDS सही है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन है, कॉफ़ी कैप्सूल, ओलोंग टी और ब्लैक टी। तो ये जो ऑप्शंस है ये हमारे फिल्टर कॉफ़ी मशीन के लिए होते हैं, जिसको हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे। तो फिल्टर कॉफ़ी मशीन जो है, यहाँ पे बटन दिया गया है, जो आप प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बटन है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो ये फिल्टर कॉफ़ी का कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें दो अटैचमेंट मिलते हैं, ये एक ये है और एक ये है। ये जो अटैचमेंट है हमें यूज़ करना है जब हम लोग कैप्सूल यूज़ करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही ये वाली कैप्सूल। और ये जो अटैचमेंट है ये आपको मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको स्टेनर मिलता है। इस स्टेनर के अंदर आप चाय पाउडर भर सकते हैं या फिर आपके कॉफ़ी पाउडर जो होती है वो भर सकते हैं। ब्रू जो आता है फिल्टर कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल होने वाली, कुछ इस प्रकार होती है। ये पाउडर है, ये अराउंड 80-90 रुपीज़ की पाउडर है। तो इसमें आप पकड़ के लिए काफ़ी बार आपका कॉफ़ी बन जाता है। तो ये जो है, पहले आप इसमें कॉफ़ी भर लीजिए, कॉफ़ी बहुत कम भरनी, देखिए मैं जितनी भर रहा हूँ। जैसे आपका रिक्वायरमेंट, अगर आपको बहुत स्ट्रांग चाहिए तो आप इसमें उतनी कॉफ़ी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करनी, हमें इसे ओवरफिल नहीं करना है। तो देखिए मैं एकदम थोड़ी सी लेता हूँ इतनी, तो बस एक बार बन जाए इतनी कॉफ़ी मैंने इसमें ली है। फिर हमें इस कंपार्टमेंट में इसे डालना है और ऊपर से जो ये लिड है इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं और ये हमारी कैप्सूल बन चुकी है। इसको हमें सिर्फ इसमें इस प्रकार डालना है और ऊपर से लिड को बंद कर देना है। जितनी कॉफ़ी पाउडर चाहिए उतनी ही कॉफ़ी आपको इसमें डालनी है। तो ये हमारा कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट बनाने का सिस्टम रेडी हो चुका है। अभी हम लोग इसको यहाँ पे स्लाइड कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे कॉफ़ी का। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे कॉफ़ी बटन दबाना है और ये अपना काम चालू कर देगा। यहाँ पे कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे हमने स्मॉल सिलेक्ट किया हुआ है तो स्मॉल कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट बनेगा। जितना हमें चाहिए उतना ही लेना है। स्टार्टिंग का जो होता है वो थोड़ा सा मतलब निकलता है, वो थोड़ा पानी निकल रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। जो बाद में है इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेट बनता है वो थोड़ा सा टाइम होने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेट बनाना चालू करेगा। ये देखिए ये जो आ रहा है अभी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेट है। तो ये हमारा कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट बन चुका है। तो दोस्तों एक बार आपका कॉन्सेंट्रेट बन गया, फिर आपको मिल्क लेना है और मिल्क के अंदर ये कॉन्सेंट्रेट डालना है और शुगर डालना है, ऐड करके आपको टेस्ट करके पहली बार थोड़ा सा अंदाजा आने में टाइम लगेगा, थोड़ा और कॉफ़ी चाहिए। तो एक बार आपको अंदाज़ा आ गया कि एक कॉफ़ी के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेट जाता है और कितनी पाउडर डालने का, कैसा कितना डार्क कॉफ़ी बन रहा है, तो आपको कॉफ़ी बनाना बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, ये बढ़िया बनी है। तो फिल्टर कॉफ़ी का स्वाद लेने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया मशीन है दोस्तों। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है समझने के लिए, अगर आप कैप्सूल यूज़ करते हैं तो कैप्सूल के अंदर पूरा जो है सिस्टमैटिक बना हुआ होता है, तो उसमें इतना दिक्कत नहीं आती। कैप्सूल डालिए, आपको कॉन्सेंट्रेट मिल जाएगा, उसमें मिल्क डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, आपका कॉफ़ी बढ़िया बनेगा। लेकिन अगर आप खुद की कॉफ़ी बनाना चाहते जैसे मैंने बनाई है, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए। तो दोस्तों लेकिन ये बहुत ही बढ़िया मशीन है क्योंकि आपको ये फिल्टर वाटर भी देती है, साथ में हॉट वाटर भी देती है और साथ में कॉफ़ी, ग्रीन टी या फिर अपना नॉर्मल टी, ये सारे चाय कॉफ़ी के ऑप्शन भी इसके अंदर से मिल सकते हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है रेस्टोरेंट्स में आपको फिल्टर लगाना है, फिर उसके बाद एक फिल्टर कॉफ़ी मशीन लगानी है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाता है, साथ में वो थोड़ा सा झंझटमारी का काम भी हो जाता है। इसके अंदर आपको फिल्ट्रेशन भी अच्छा मिलता है, ऑप्शन इसके अंदर ये अच्छा है कि आप जो फिल्टर से खुद ही चेंज कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। साथ में इसको आप डायरेक्ट वाटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी है, इनलेट आउटलेट दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। मशीन की बात करें तो ये अराउंड 2000 वाट का पावर कंजम्पशन करती है जब ये हीट करती है। तो दोस्तों आपको ये मशीन कैसे लगी जरूर बताइएगा, और कॉफ़ी इसकी बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है।
जो फिल्टर कॉफी का टेस्ट आता है वही इसमें से मुझे मिला हुआ है, तो वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और जो नॉर्मल कॉफी पाउडर कॉफी पी के हम लोग है ना, मतलब रियल कॉफी जो होती है, जो कॉफी बीन्स को ग्राइंड करके कॉफी बनती है, वो टेस्ट जो होता है वो सबसे अल्टीमेट होता है। आपके चॉइस के कॉफी बीन्स चूज कर सकते हैं, उसको ग्राइंड करके लीजिए, पाउडर बना के लीजिए और फिल्टर कॉफी बनाइए, बहुत ही बढ़िया कॉफी बनेगी। इसके अंदर आपको फिल्टर चेंज अलार्म भी है अवेलेबल है, जब फिल्टर चेंज होने पे आएंगे तो आपको ये आवाज बीप भी देगा, साथ में ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी करेगा कि फिल्टर चेंज करने के लिए आया हुआ है। यहाँ पे फिल्टर रिसेट का बटन भी है जहाँ से आप फिल्टर इजीली रिसेट कर सकते हैं। इसके अंदर एक चेंज वाटर का साइन भी आता है, इसका मतलब है कि आपकी जो पीछे की टैंक है उसके अंदर का पानी चेंज करने का समय हो चुका है, तो वो चेंज वाटर का सिग्नल जैसे ही आता है आप पूरा कंटेनर जो है पानी का उसको निकाल लीजिए, इसके अंदर का पानी फेंक दीजिए और नया पानी भर के वापस से इसको इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपको ये मशीन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है रिव्यू माजा पे ही, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं प्राइसिंग और सारी डिटेल आपको बता दूंगा। मशीन बहुत बढ़िया है और इसे यूज करना भी बहुत ही ईजी है, साथ में इसमें चाइल्ड लॉक सिस्टम भी है, यानी कि जब ये लॉक होगा तो हॉट वाटर नहीं निकलता है, तो ये एक सेफ्टी फीचर भी इसके अंदर दिया गया है। क्लीनिंग करना बहुत ही ईजी है, इसको निकालेंगे, जैसे ही आप ये कंटेनर निकालेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉफी पाउडर जो है वो इस टेनर के अंदर आ जाती है और इसको हम आसानी से नल के नीचे क्लीन कर सकते हैं। जनरली एक जो कॉफी का जो एक कंटेनर है वो आप दो बार यूज कर सकते हैं, लेकिन दो बार के बाद थोड़ा सा वो कॉफी के ऊपर डिपेंड होता है, थोड़ा फीका हो जाता है। जो मैंने ब्रू का यूज किया है ये दो बार यूज करने के बाद में इसमें से थोड़ा सा फीकापन लगने लगता है, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप स्ट्रांगेस्ट कॉफी यूज करेंगे तो कई बार तीन बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसे आधे से भी कम भरा था। अगर आप इसे फुल भरेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा सा आधा भर लीजिए, फुल भरना नहीं है, क्योंकि जब ये स्टीम इसके अंदर से गुजरती है तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से ऊपर आ जाता है, तो वो जरूरी है थोड़ा सा। इसमें पूरा भर के आप रखेंगे तो वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, ओवरफिल हो सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है, तो वो ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी मशीन्स आने वाले हैं कुछ इसी प्रकार की, तो प्लीज वेट कीजिएगा। एक हिंट दे देता हूँ, नेक्स्ट मशीन जो है उसके अंदर कॉम्प्रेसर है, जो हमारे फ्रिज के अंदर होता है वैसा ही कॉम्प्रेसर, यानी कि वो ठंडा पानी आपको देगा, वो भी इंस्टेंटली। उस वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपका प्यार इसी प्रकार देते रहिए। गुड डे, जय हिंद।